अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन आसानी से एक ही जगह पर इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आप सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेलुएट दी फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को आपने इवेलुएट करके दिखाना है। इवेलुएट करने का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। अब आप देख सकते हैं नीचे जैसे ए पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पहले फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2, आगे लिखा हुआ है डिवीजन का सिंबल और उसके बाद है 3, यानी आप इसको पढ़ेंगे 1/2 / 3। तो आपसे कहा जा रहा है कि 1/2 को अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यही वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें डिवीजन का सिंबल इस तरीके से हो, तो आपका सबसे पहला टास्क हुआ करेगा कि आप डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन सिंबल में बदलें। और जब भी डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन सिंबल में आप बदला करेंगे, याद रखिएगा उसके आगे जो भी चीज लिखी हुआ करेगी, जो भी नंबर, जो भी टर्म होगी, आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसी प्रोसेस के थ्रू हम इन तमाम पार्ट्स को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख रहा हूं, डिवीजन के सिंबल को भी एज इट इज उतार रहा हूं। तो ये जो 3 लिखा हुआ है, आसानी के लिए आपको, ताकि आसानी से समझ आ जाए, मैं इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे खुद से क्या लिख देता हूं, 1। याद रखें किसी भी इस तरह के नंबर के नीचे आप खुद से 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसके नीचे अगर आप 1 लिख देंगे उस पर वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, पहली वाली फ्रैक्शन हमेशा वैसे की वैसी आएगी, अब आप डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दें। जैसे ही डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, याद रखिएगा आगे जो भी मेंशन होगा, चाहे फ्रैक्शन हो, कोई नंबर हो, आपने उधर हमेशा रेसिप्रोकल अप्लाई करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जिस तरह यहाँ पे 3/1 लिखा हुआ है, कि जो चीज नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लिख दे न्यूमरेटर में, और जो चीज ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर में उसको लिख दे नीचे डिनोमिनेटर में, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर था और वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल दिया, उससे आगे आने वाली जो था आपके पास टर्म थी जो 3/1 लिखा हुआ था उसका आपने रेसिप्रोकल भी कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है, क्या कोई ऊपर नीचे नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो आपने करना है, नहीं हो रहा तो आपने ये रूल याद रखना है, जब कोई भी कैंसिलेशन ना हो रही हो तो फ्रैक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और जो डिनोमिनेटर्स लिखा होता है उनको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कोई भी फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो आप क्या करें, जो ऊपर 1 लिखा हुआ पहली फ्रैक्शन का, इसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ उससे, इस तरीके से अब आप एक नीचे एक लाइन लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 3 से। अगर कैंसिलेशन हो रही होती तो पहले कैंसिलेशन करते बाद में बाकी प्रोसेस करते। अब आगे आप करें तो देखें 1/1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 1, और 2/3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6। तो 1/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को कभी भी आप मिक्स फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, मिक्स नंबर भी कह सकते हैं, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। अगर ये कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम लाजमी इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 16/21 या 16/21 भी पढ़ लें, आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 8, यानी आपने ये बताना है कि 16/21 को जब हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी। तो यहां पर भी वही ए पार्ट वाली बात है कि आप बीच में देखें डिवीजन सिंबल आ रहा है, हमें पहले डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले वाली फ्रैक्शन को वैसे का वैसे ही लिखेंगे 16/21 वैसे का वैसे ही, इस डिवीजन सिंबल को भी अभी पहले स्टेप में वैसे का वैसे उतारेंगे, और ये जो सिंपल 8 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए इसके नीचे 1 लिख लें। आप किसी भी नंबर के नीचे इस तरीके से 1 लिख सकते हैं, इस तरह उसके नंबर पे या पूरे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं आता। अब आप अगले स्टेप में डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, यानी 16/21 को फिर से वैसे लिखेंगे, डिवाइड को अब आप बनाएंगे मल्टीप्लाई, और आप जानते हैं जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो आगे जो भी चीज लिखी होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहां पे 8/1 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो चीज नीचे लिखी होगी उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, जो ऊपर नंबर या टर्म होगी उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा।
जाएगा। तो वन नीचे इसको ऊपर लिख दें और एट ऊपर था और इसको आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। यहां तक करने के बाद अब अगला स्टेप आपने ये करना है कि देखना है कि क्या कोई ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, क्या कुछ नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या उनके कोई कॉमन फैक्टर वन के अलावा मौजूद है कि नहीं है। तो आप देखें 8 और 16 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 8 1 टाइम्स 8 होता है और 8 2 टाइम्स 16 होता है। तो आप देखें यहां पे ऊपर 2 बच गया, नीचे 21 है और 2 और 21 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर कोई कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो 1 के अलावा, इसमें इसका मतलब होता है कि कैंसिलेशन नहीं हो सकती, मजीद कोई कटिंग या कैंसिलेशन आप बोल लें वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 2, नीचे आपके पास बच गया 21, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, और इधर देखिए ऊपर 1 बचा हुआ है और नीचे भी 1 बचा हुआ है। तो 1 ओवर 1 का मतलब होता है 1, खाली आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं इसकी जगह पे खाली क्या लिख देता हूं, 1। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज को, किसी नंबर को आप बोल लें, आसानी के लिए किसी फ्रैक्शन को बोल लें, जिस तरह यहां पर लिखी हुई है 2/21 एक फ्रैक्शन, जब भी आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। याद रखिएगा ये 1 से मल्टीप्लाई करने से मुराद 0 के अलावा है, यानी 0 के अलावा कोई भी आपके पास नंबर हो उसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब जिस तरह यहां पे 2/21 लिखी हुई है फ्रैक्शन है, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2/21 ही आपके आंसर के तौर पे। और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है, तो इसको आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंप्रॉपर फ्रैक्शन होती तो फिर लिख सकते। तो यहां पर ये वाला पार्ट भी हो गया, अब चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी पिछले पार्ट्स की तरह करना है। यहां पे लिखा हुआ 24/5/2, तो यहां पर भी आपने पहले इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, फिर आप बाकी स्टेप्स कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप 24/5 को वैसे का वैसे लिख लेंगे, डिवीजन सिंबल भी वैसे का वैसे, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप इधर डिनोमिनेटर में खुद से 1 लिख देंगे ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान रहे। अब आप अगले स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी डिवीजन सिंबल की जगह पर आ जाएगा यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल। और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं याद रखिएगा आगे जो भी चीज लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ 2/1 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो चीज नीचे लिखी हुई है इसको ऊपर लिख दें, जो ऊपर लिखी हुई है उसको नीचे लिख दें, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहां पे 1 ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर लिखा हुआ 2 है वो नीचे लिखा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये होता है कि आप देखें क्या कोई ऊपर नीचे नंबर में कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो कर दें। जैसे आप देखें यहां पे 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 12 टाइम्स 24 होता है, ये 24 और 2 दोनों ही 2 से कंप्लीटली डिविजिबल थे, तो देखिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। इसके अलावा 1 और 5 में तो कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा इधर 12 है, इधर 1 है, इधर भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो जब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना मिल रहा हो इसका मतलब यहां पे मजीद कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो यहां पे ऊपर बच गया 12, नीचे बच गया 5, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन और यहां पे ये 1 ओवर 1 बचा हुआ है। तो जब भी 1 ओवर 1 बचा हो इसका मतलब जस्ट क्या लिया जाता है, 1, यानी इसको आप 1 ही लिख सकते हो। तो यहां पे आप इसको क्या लिख दोगे, 1 ही सिर्फ। और आप जानते हैं जब भी किसी नंबर को 0 के अलावा आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो जैसे ये फ्रैक्शन है 12/5, जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 12/5 ही आ जाएगा। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन आंसर के तौर पे आई है ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को इंप्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं और इनको आप मिक्स फॉर्म में यानी मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो मेथड सिखाए हुए हैं, उनमें से एक मेथड डिवीजन मेथड यहां पे मैं फॉलो कर रहा हूं। आप यहां पे 12 को डिवाइड करवाएंगे 5 पर और आपको डिवीजन आती है 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, 12 माइनस 10 कितना बचेगा नीचे 2। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, तो यहीं से आपकी मिक्स नंबर बन जाएगा, मिक्स फॉर्म बन जाएगी। आप इसको किस तरह लिखेंगे कि ये जो आपको इधर इंप्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई थी इसका डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिखना होता है, जो कि 5 है वैसे का वैसे ही। जो डिवीजन करने के बाद आपको यहां पे नंबर मिल रहा होता है जिसे कोशेंट बोलते हैं वो आपके होल पार्ट के तौर पे यहां पे लिखा जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसको यहां पर आप न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप चाहे आंसर को ऐसे कोट कर लें चाहे ऐसे कोट कर लें, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप अपने आंसर को अगर पॉसिबल हो सके तो मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर ये वाला पार्ट भी हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक मिक्स नंबर दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि 5 होल एंड 24/26 और इसको डिवाइड करना है आपने किस पर, 10 पर। तो आपने ये बताना है कि इस मिक्स नंबर को अगर 10 पर डिवाइड किया जाए तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में डिवीजन सिंबल है, आपको उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो है ये मिक्स नंबर की वजह से कि जब भी मिक्स नंबर आ जाए आप हमेशा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लिया करें, इससे आपका
क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे भी मिक्स नंबर इस तरह दिखे आपने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वही मैं यहां पर करने लगा हूं। तो कैसे हम करेंगे, जो भी आपके पास मिक्स नंबर लिखा हो इसमें जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले वैसे का वैसे लिख दें। तो देखिए डिनोमिनेटर 26 है इस फ्रैक्शन पार्ट का, तो इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हमेशा यहां पर लिखे हुए नंबर जिसको होल पार्ट बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो नीचे 26 है, इधर 5 लिखा हुआ है, तो आप पहले 26 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 130। अब जो भी आंसर आता है, जिस तरह हमारे पास 130 आया है, इसको आपने ऐड करवा देना होता है यहां पर जो ऊपर नंबर लिखा होता है, ये जो फ्रैक्शन होती है इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है इसमें आपने इस आंसर को ऐड करवा देना होता है। तो ये 130 आया था तो 130 में आप ऐड करवा दें 25। आप चाहे ये कह लें कि 25 130 में ऐड हो रहा है या ये कह लें 130 25 में ऐड हो रहा है, दोनों के मीनिंग सेम ही है। अब आप 130 में 25 ऐड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जो है आपके पास 55। तो यहां पे ये वाला फाइनल नंबर आपने लिख देना है 155। इस तरीके से आपका मिक्स नंबर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा है नीचे लिखा हुआ नंबर छोटा, इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आगे डिवीजन का सिंबल वैसे ही, 10 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आसानी के लिए मैं आपके यहां पर खुद से 1 लिख रहा हूं। अब हम वो वाले स्टेप्स ही करेंगे जो पिछले पार्ट में आपको समझाया मैंने कि डिवीजन को आप किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होती है, अब आप जानते हैं कि जो आगे लिखी हुई टर्म होती है, फ्रैक्शन होती है, जो भी चीज होती है उसमें आपने उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, यानी नीचे लिखा हुआ नंबर ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखा जाता है। तो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दें, ऊपर 10 लिखा हुआ है इसको आप यहां पर नीचे लिख दें। तो यहां तक आपने कर लिया। अब याद रखें कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है कंप्लीटली। जैसे आप देखें यहां पे 155 लिखा हुआ है, यहां पे 10 लिखा हुआ है, 155 का लास्ट डिजिट 5 है, ये भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है पूरा का पूरा नंबर। इसका मतलब इस 10 नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। तो किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो जाए तो आपके पास वो ये चीज की गारंटी होती है कि ये 5 से लाजमी कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो 5 2 टाइम्स कितना होता है, 10। और इसी तरीके से 155 को भी अगर आप 5 पर डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आंसर 31 मिलेगा, यानी 5 31 टाइम्स कितना होता है, 155। अब देखिए 31 और 2 तो फर्दर किसी भी एक जैसे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के। इसी तरीके से जो 31 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 26 लिखा हुआ है, इनमें भी कोई कैंसिलेशन नहीं होती, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इस 31 और 26 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो जब 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना मिल रहा हो इसका मतलब यहां पे मजीद कैंसिलेशन की गुंजाइश नहीं है। तो यहां पे ऊपर बच गया 31, नीचे बच गया 26 मल्टीप्लाई का साइन, इधर ऊपर बच गया 1 और इस बार नीचे 1 नहीं बचा। अगर 1 ओवर 1 बचा होता तो खाली 1 भी लिख देते काफी है, लेकिन इस बार नीचे 2 है तो आप लिखेंगे इस पूरे को 1/2, क्योंकि मजीद कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान मजीद कैंसिलेशन ना हो रही हो और आपने उनको इस तरह मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर्स को ऊपर से, यानी न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी यहां पे ऊपर 31 लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 से, और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 26 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 से। अब आप इनको सॉल्व करें, 31 टाइम्स 31 को 1 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 31, और नीचे जो 26 लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 52। तो आपने देख लेना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए जैसे यहां पर है, यानी मजीद कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही होनी चाहिए, जरूर अपने आंसर को चेक कर लेना है। तो आप देखिए आपका आंसर आ गया 31/52, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कभी भी मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकती, तो इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर है। तो यहां पर हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन है 6/3/5। तो यहां पर भी आप देखें बीच में डिवीजन सिंबल है, तो प्रोसेस वही रहेगा जो पिछले पार्ट्स में बताता आ रहा हूं कि आपने डिवीजन को पहले मल्टीप्लीकेशन में बदलना है, उसके बाद बाकी स्टेप्स करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर पहले एक होल नंबर 6 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको बता चुका हूं जिस नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो आप अपनी आसानी के लिए यहां पर 1 लिख सकते हैं। तो मैं 6 के नीचे खुद से क्या लिख रहा हूं, 1। आगे डिवीजन सिंबल वैसे का वैसे ही, और 3/5 को मैं वैसे का वैसे उतार रहा हूं। अब अगले स्टेप में मैं इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी डिवीजन सिंबल की जगह पे यहां पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। और आप जानते हैं जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आगे जो भी मेंशन होगा उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो आगे यहां पे एक फ्रैक्शन मेंशन है 3/5, इसका रेसिप्रोकल अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, यानी जो चीज नीचे लिखी हुई है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लिख दें, यानी 5 नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में चीज लिखी हुई है ऊपर लिखी हुई है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। तो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब आप देखें कि यहां पर कोई ऊपर नीचे नंबर्स में कैंसिलेशन हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। 3
और 6 दोनों ऐसे नंबर है जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है। इसके अलावा और कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 2, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे जो 1 लिखा होता खाली 1 अकेला, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लिख भी लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन, इधर ऊपर क्या बचा 5 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए ये बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10, यानी हमारे पास इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में मेंशनड है 45 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन 11। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स करते आ रहे हैं, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में बदलेंगे और अगली वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे 45 को लिख लेता हूं। 45 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, आपको बता दिया जिस नंबर के नीचे कुछ ना लिखा आपने 1 लिख लेना है। आगे ये डिवीजन वाला सिंबल वैसे का वैसे ही और अगली फ्रैक्शन 18 अपॉन 11 भी वैसे की वैसे ही। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि अब हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 45 अपॉन 1 वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बना इस फ्रैक्शन का आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी 11 नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लिख देंगे, 18 ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको आप नीचे लिख देंगे। अब आपने ये देखना है कि क्या यहां पर ऊपर नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें कोई कैंसिलेशन हो सकती है, कोई ऐसा नंबर है जो कि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। जैसे आप देखें यहां पर 18 लिखा हुआ है, यहां पर 45 लिखा हुआ है, 18 और 45 दोनों के दोनों 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ये 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो जितना आप छोटा नंबर चूज करेंगे उसके थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपका आंसर तब भी सेम आएगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों किसी भी जो है एक से ज्यादा नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, नंबर ऊपर नीचे लिखे हुए, तो आप किसी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं 9 से स्टार्ट ले रहा हूं क्योंकि 9 यहां पर सबसे बड़ा है। 9 2 टाइम्स कितना होता है 18, ये आप जानते हैं, और 9 5 टाइम्स कितना होगा आपके पास, वो होता है 45। तो देखिए ऊपर यहां पर बच गया 5, इसके नीचे आ गया 1, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे ऊपर बच गया 11 और नीचे इसके आ गया 2। अब कोई भी फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती, तो जब कोई भी फर्दर कैंसिलेशन ना हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर्स को आपस में ऊपर से और नीचे लिखे हुए नंबर को आपस में नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर यहाँ पे 5 है पहली फ्रैक्शन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले फ्रैक्शन के ऊपर लिखे हुए नंबर 11 से, और 5 के नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 2 से। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर आ जाएगा 5 11 टाइम्स 55 और नीचे आ जाएगा 1 2 टाइम्स 2। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप जो है मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिवीजन की मदद लेंगे तो 55 को करें 2 पर डिवाइड। अब आप यहाँ पर देखें 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 55 के पास पास आ जाए। तो 2 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 करें, तो कितना आता है 54, और 55 में से 54 आप माइनस करें तो आपके पास आता है 1। अब और कोई भी डिजिट नहीं है ऊपर से नीचे उतारने वाला, तो इसी की मदद से आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। कैसे बनेगी, जो डिनोमिनेटर है इसको हमेशा वैसे का वैसे लिखना होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है ये वैसे का वैसे ही, जो यहाँ पर होल पार्ट होता है ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा होता है ये आपका होल पार्ट होता है, यानी 27 यहाँ पे होल पार्ट, और रिमाइंडर को यहाँ पर आप न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके एफ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 डिवाइडेड बाय 9/10। तो यहाँ पे भी बीच में डिवीजन सिंबल है, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे और अगली वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, उसी से आपका ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा और आप इसको आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लिख लेंगे 3/4। अब यहाँ पे डिवीजन सिंबल को मैं किस में कन्वर्ट करने लगा हूं, मल्टीप्लीकेशन सिंबल में। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे आगे लिखी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन 9/10 में 10 डिनोमिनेटर में था ये अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर 9 न्यूमरेटर में था ये अब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि क्या इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, तो कर दें। जैसे यहां पर आप देखें 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है। इसके अलावा देखें 4 और 10 भी दोनों 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है। तो यहां पे ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई का सिंबल, इस फ्रैक्शन में ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3। अब यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन फर्दर नहीं हो सकती, तो जब कैंसिलेशन फर्दर ना हो सकती हो तो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे होते हैं उनको आपस में, और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखी होती है टर्म्स लिखी होती है उनको आपस में आप कह लें मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे पहली फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 5 से, और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो 2 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 से। तो अब आगे सॉर्ट आउट करते हैं, तो 1 5 टाइम्स कितना होगा 5 और 2 3 टाइम्स कितना होता है 6। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एच लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेंशन है 8/15 / 32/25। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन सिंबल है, इसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही कैंसिल आउट करके चीजों को हम आसानी से इसकी वैल्यू बता पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले 8/15 को वैसे का वैसे लिख लें, इस डिवाइड को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो जब भी डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है जो उसके आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो डिवीजन सिंबल के आगे 32/25 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो डिनोमिनेटर में 25 लिखा हुआ है, इसको अब आप न्यूमरेटर में लिख दें यानी ऊपर, और न्यूमरेटर में 32 लिखा हुआ था, अब आप इसको डिनोमिनेटर में लिख दें यानी नीचे। अब देखिए क्या यहां पर कुछ ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो देखिए 8 और 32 ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 8 1 टाइम्स 8 होता है और 8 4 टाइम्स 32 होता है। इसके अलावा 15 और 25 भी ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 5 टाइम्स 25 होता है। तो यहां पर ऊपर बच गया 1, इधर बच गया नीचे 3 और मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 4। अब कोई भी मजीद कैंसिलेशन नहीं होती। तो जब मजीद कैंसिलेशन ना हो फ्रैक्शंस के दरमियान इस तरह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो, तो ऊपर लिखे हुए नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर्स में लिखे हुए नंबर्स को इसी तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे 1 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 5 से, इधर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 से। अब सॉर्ट आउट करें, 1 5 टाइम्स होता है 5, 3 4 टाइम्स होता है 12, तो आंसर आ गया 5/12। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को कभी भी मिक्स नंबर में हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको यहां पर आगे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर आई लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे लिखा हुआ है 15/4 / 5/2। अब आपको प्रोसेस समझ आ चुका है कि हम सबसे पहले डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 15/4 वैसे का वैसे ही आएगा, डिवाइड को आप बना देंगे मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं आगे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसमें आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, इसको ऊपर न्यूमिनेटर में लिख दें, ऊपर 5 लिखा हुआ था न्यूमिनेटर में, इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। अब आप कैंसिलेशन करेंगे तो देखें 5 और 15 दोनों कैंसिल आउट होते हैं 5 से, यानी 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 3 15 होता है। इस तरीके से 2 और 4 भी दोनों कैंसिल आउट होते हैं 2 से, 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो यहां पे आ गया ऊपर 3 और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे 1 ओवर 1 बचा, और ये पहले भी बताता आ रहा हूं कि 1 ओवर 1 बचे तो इसका मतलब 1 ही होता है। तो यहां पे आप जस्ट क्या लिख देंगे, 1। तो किसी भी नंबर को 0 के अलावा अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 3/2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी आपको 3/2 ही मिलेगा। अब ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो 3 को आप यहां पर डिवाइड करें 2 से, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 3 माइनस 2 आता है 1। ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा जिसको मजीद नीचे उतारा जाए, यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर लें और इसी की मदद से अब मिक्स नंबर लिख लें। तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही हमेशा की तरह, तो डिनोमिनेटर 2 है वैसे का वैसे ही, जो यहां पे नंबर लिखा होता है क्वेश्चन वो आपके होल पार्ट के तौर पर लिखा जाता है, वो यहां पर लिख लिया 1, और रिमाइंडर जो बचा होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो रिमाइंडर यहां पर 1 बचा हुआ है, तो यहां पर ऊपर 1 न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपने मिक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर जे को। तो पार्ट नंबर जे में लिखा हुआ है 1 whole and 7/9 / 4/3। तो अब आपने इस मिक्स नंबर को इस दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करके दिखाना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी इस तरह के सिनेरियोस में आपके पास कोई मिक्स नंबर आए लिखा हुआ, तो आपने पहले उस मिक्स नंबर को या उस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। और मिक्स नंबर को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं यह मैं आपको पिछले पार्ट में भी और इस चैप्टर में भी बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिक्स नंबर में जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि है 7/9, उसका डिनोमिनेटर जो है उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है, तो आप यहाँ पे 9 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। हमेशा फ्रैक्शन पार्ट का जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे लिखा जाता है जब आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको यहाँ पे लिखे हुए नंबर जिसको होल पार्ट बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। नीचे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 1 टाइम्स किया जाएगा, तो क्या आंसर मिलेगा, 9। तो जो आंसर मिलता है उसमें ऐड करवा देते हैं ये ऊपर लिखा हुआ नंबर। तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 7 और आपको आंसर 9 मिला था अभी, तो आप 9 में ऐड करवा देंगे 7 या 7 में ऐड करवा देंगे 9, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 9 प्लस 7 करें कितना आता है, आपके पास आता है 16। तो जो फाइनल वैल्यू आई 16 वो आपने यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देनी है। तो आप देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे डिवीजन का सिंबल वैसे का वैसे ही और 4/3 वैसे का वैसे ही। अब चीजें आसान हो गई हैं, अब आप जानते हैं हमने इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल में बदलना है, इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई बनाना है। तो जब आप डिवीजन वाले सिंबल को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आप जानते हैं कि उसके जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 16/9 वैसे का वैसे ही आएगा,
डिवाइड को आप बनाएंगे मल्टीप्लाई, और ये जो आगे फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है अब वो ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ था अब वो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आपने देखना है कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर की, तो बिल्कुल होती है। जैसे 4 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 16 ऊपर लिखा हुआ है, तो 4 और 16 दोनों ऐसे नंबर है जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 4 टाइम्स 16 होता है। इसी तरीके से 3 और 9 भी आप देख सकते हैं ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए ऐसे नंबर है जो कि दोनों के दोनों 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9। तो यहाँ पे ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 3, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि 1/1 का मतलब होता है 1, तो आप जस्ट इनकी जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। और आप ये जानते हैं आप किसी भी नंबर को 0 के अलावा 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी 4/3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको 4/3 ही मिलेगा। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपने भी इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप लिखेंगे 4/3। डिवीजन आपको आती है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 4-3 कितना होता है 1, ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, तो यहीं पे प्रोसेस स्टॉप करेंगे और यहीं से हमारी मिक्स नंबर बन जाएगा। कैसे, कि जो डिनोमिनेटर आपके पास दिया होता है इस वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, तो 3 वैसे का वैसे ही। ये डिवीजन करके जो यहाँ पे आपको नंबर मिलता है जिसको क्वेश्चन बोलते हैं वो आपका होल पार्ट के तौर पे आता है, यहाँ पे होल पार्ट के तौर पे, और जो रिमाइंडर लिखा होता है उसको आप यहाँ पर टॉप में न्यूमरेटर में लिख देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख दिया। तो देखिए ये हमारे पास इसका हो गया पार्ट नंबर जे। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर के लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 होल एंड 2/9 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर भी आपने इस मिक्स नंबर को डिवाइड करके दिखाना है 9 के ऊपर। तो जिस तरह पिछले पार्ट में बताया, जब भी आपके पास इस तरह के सिनेरियोस में मिक्स नंबर लिखा हुआ है आपने पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर बाकी स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इस मिक्स नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है 2/9, उसका डिनोमिनेटर 9 है, तो डिनोमिनेटर हमेशा वैसे का वैसे ही आता है, तो 9 वैसे का वैसे ही। फिर आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है, यहां पर भी 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करवाना पड़ेगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, वो होता है 81। और जो आपके पास आंसर आता है उसको आप ऐड कर देते हैं यहां पर ऊपर लिखे हुए नंबर में, या ऊपर लिखा हुआ नंबर उसमें ऐड करवा देते हैं, तो 81 आपके पास आंसर आया है। इसमें आप ऊपर लिखा हुआ नंबर यहां पर 2 है उसको ऐड करवा दें, तो 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 83, तो आप यहां पे लिखेंगे 83। तो यही नंबर आप यहां पर न्यूमरेटर में मेंशन कर देंगे। आगे डिवीजन का सिंबल वैसे का वैसे ही, यहां पे सिर्फ एक 9 लिखा हुआ है, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। कोई भी नंबर हो उसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो आप 1 यहां पर लिख सकते हैं। अब आगे आप पता है हमने इस डिवीजन साइन को चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन में, जिस तरह पिछले पार्ट में करते आ रहे हैं, तो 83/9 वैसे का वैसे ही, डिवाइड को आप बनाएंगे मल्टीप्लाई, और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं आगे जो भी मैंशन होती है टर्म या फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल आता है। तो यहां पर 9/1 लिखा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि जो 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और 9 जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इस तरीके से अब यहां तक आपने चीजों को कर लिया। अब आपने देखना है कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर में, अगर होती है तो आपने यहां पर कैंसिल आउट करना है। तो देखिए 83 और 9 ऐसे नंबर हैं जो कि 1 के अलावा किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो जब ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर 1 के अलावा किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो इसका मतलब इनमें कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जब कैंसिलेशन नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे इस तरह के केस में, तो फिर आप फ्रैक्शंस को जिसमें न्यूमरेटर में जो टर्म्स लिखी होती हैं उनको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 83 लिखा हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 1 से, और इस पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 9 लिखा हुआ था तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 9 से, तो 9 मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। अब यहां तक हमने कर लिया। आगे आप जानते हैं 83 1 टाइम्स कितना होता है 83, और 9 9 टाइम्स कितना होता है वो होता है 81। तो ये एक आपके पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप 83 को डिवाइड करेंगे 81 पर, आप जानते हैं 81 को 2 टाइम्स करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, वो नहीं कर सकते, तो 81 1 टाइम्स करना पड़ेगा जो कि होता है 81। यहां पर 83 में से 81 माइनस करवाएं तो 3-1 कितना होता है 2, 8-8 तो 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से कोई भी डिजिट आप नीचे नहीं उतार सकते फर्दर, क्योंकि ऊपर कोई डिजिट नहीं बचा इसके अलावा, तो आप अपने यहीं पर प्रोसेस को रोकना है और यहां से इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख देना है। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको आप वैसे का वैसे लिखते हैं, तो 81 वैसे का वैसे ही। ऊपर जो कोशेंट के तौर पे नंबर मिला होता है इस डिवीजन में वो आपके होल पार्ट के तौर पे आता है, तो यहां पे 1 एज अ होल पार्ट, और इसी डिवीजन में जो रिमाइंडर में नंबर लिखा होता है वो यहां पर टॉप पे न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो ये आपने अपने इस पार्ट को भी सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं दो मिक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू होल एंड टू अपॉन 15 डिवाइडेड बाय वन होल एंड 23/25। तो पिछले पार्ट्स में मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जब भी इस तरह के सिनेरियोज में आपके पास कोई मिक्स नंबर लिखा हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, आपने सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इन दोनों मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाकी स्टेप्स करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप जानते हैं जिस तरह पहला मिक्स नंबर लिखा हुआ है इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है टू अपॉन 15, इसमें डिनोमिनेटर 15 लिखा हुआ, तो डिनोमिनेटर हमेशा वैसे का वैसे लिखा जाता है, तो आप 15 को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को हमेशा जो यहां पे नंबर लिखा होता है होल पार्ट पे उससे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो आप 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो आंसर आएगा 30। और जो आपको आंसर मिलता है उसमें आपने ऐड करवा देना होता है यहां पर ऊपर लिखा हुआ नंबर, यहां पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, आंसर 30 आया था, तो 30 में आप 2 ऐड करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 32, तो आप यहां पे लिख दें 32। आगे डिवीजन का सिंबल वैसे का वैसे, यहां पर भी आपने इस मिक्स नंबर को इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इधर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर 25 है, आप नीचे लिखेंगे 25। इस डिनोमिनेटर को भी यहां पर लिखे हुए होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 1 लिखा हुआ है तो आप 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 25 1 टाइम्स कितना आता है 25। अब जो आंसर आया इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर जो कि 23 है वो ऐड करवा देना है, तो 25 आंसर के तौर पे मिला था अभी, तो इसमें आप ऐड करवा देंगे 23, तो 25 + 23 कितना होता है 48, तो यहां पे आप लिख देंगे 48। आगे आपको पता है कि अभी दोनों इंप्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी हैं, तो अब आपने बस इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लीकेशन वाले सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे 32 अपॉन 15 को वैसे लिखेंगे, डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं उसके आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहां पे 48 अपॉन 25 लिखा हुआ है, 25 डिनोमिनेटर में, ये ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और 48 न्यूमरेटर में था, अब ये नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, इसी को आप रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। अब आपने देखना है कि अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो सकती है नंबर्स की तो कर दें। जैसे आप देखें 15 और 25 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 5 टाइम्स 25 होता है। इसके अलावा ये 32 और 48 ऐसे नंबर्स हैं जो कि दोनों 16 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हैं, इसके अलावा 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप 16 से इनको डेड कट कर दें या पहले 2 से कट करें उसके बाद किसी और नंबर से कट करें, एट द एंड आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम ही आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको बड़े वाले कोई नंबर्स एज अ फैक्टर नहीं मिल रहे तो आपके पास जो छोटे नंबर जहन में आ रहे हैं जो कि दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आसानी के लिए मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं, 32 और 48 दोनों 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 2 16 टाइम्स कितना होता है 32, और 2 आप कह लें 24 टाइम्स कितना होता है वो होता है 48। तो देखिए ऊपर यहां पे बच गया 16, नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाई का साइन, और यहां पे ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 24। अब आप देखें अभी भी इनमें मजीद कैंसिलेशन हो रही है, किसमें, 3 और 5 में तो नहीं होती, इन दोनों का तो सिर्फ फैक्टर 1 ही बनता है, 16 और 24 में होती है। तो अगर आप नोटिस करें 16 भी 24 भी दोनों आपके पास 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 2 से भी आप कर सकते हैं, अगेन वही वाली बात है, पहले 2 से कर सकते हैं फिर आगे स्टेप पे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर पहले 2 से इसलिए कर दिया ताकि नंबर छोटे बन जाए और आपके लिए इनको पहचानना आसान हो जाए, अदरवाइज आपके पास जो फैक्टर है आप किसी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहां पे 16 और 24 को दोनों को हम 8 से कंप्लीटली ये डिविजिबल है, तो 8 से मैं इनको कट कर रहा हूं, 8 2 टाइम्स होता है 16 और 8 3 टाइम्स कितना होता है 24, तो यहां पे ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया 3 मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 3। अब आप देखें कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स के, ये वैसे भी जो भी नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, तो वैसे भी इनका कॉमन फैक्टर या तो 1 होगा या तो ये खुद होंगे। तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, यानी 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अब इनमें कैंसिलेशन नहीं होगी। तो जब फ्रैक्शन में कैंसिलेशन ना हो रही हो तो न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 5 से, और पहली वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 से। तो इस तरीके से आप देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिया, तो 2 5 टाइम्स कितना होता है 10 और 3 3 टाइम्स कितना होता है 9। तो ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स नंबर में लिखते हैं डिवीजन करके, 10 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 9 1 टाइम्स 9 होता है, 10 माइनस 9 1 होता है, ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, यहां पे प्रोसेस को स्टॉप करके हम इसकी मिक्स नंबर मिक्स फॉर्म लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वैसे का वैसे, यानी 9 वैसे का वैसे, जो डिवीजन करते वक्त यहां पे आपके पास नंबर मिलता है कोशेंट बोलते हैं इसको, इसको आप लिखते हैं एज अ होल पार्ट, ये यहां पर वैसे का वैसे ही, और जो यहां पे नंबर रिमाइंडर होता है बचा होता है उसको आप यहां पे लिखते हैं टॉप पर। तो ये हमारा इस पार्ट का भी आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।